बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 401 प्रैक्टिकल, इसकी असाइनमेंट में थोड़ा सा भी एरर रहते हैं, एक आधा एरर, वो मैं आपको चेक भी करवा दूं। पहले आपको रन करवा के दिखा दूं कि जी ये इशू आ रहा है, और फिर आप लोग देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं। मतलब जितनी मैं सही बना सकता था, जितनी कोशिश की जा सकती थी, जितना टाइम लगाया जा सकता था वो लगाया। सिस्टम में इतनी चीज़ें चल रही हैं कि वो अब इस पर भी टाइम लग रहा है, क्योंकि असाइनमेंट सारी बनाने वाली हैं, पेड काम करना होता है और नए पे काम करना पड़ता है, इसलिए पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूं ताकि आप लोग देख लें। इंटरेस्ट रिंग वही BC 200, 204, 206, इस तरह इसकी आउटपुट आ रही है, और इतने की उन्होंने मांगा हुआ था कि जी स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए, कलर डिफरेंट होने चाहिए, तो वो चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। सिर्फ एक एक्स्ट्रा वो एंड पे कॉलन एक शुरू में आ रहा है, और एक डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है 6। मैं झूठ नहीं बोलता, जो आपको बता सकता था बता दिया। अगर आप इसको दूर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी तो कह सकते थे ना कि यार चलो जितनी हम बना लें उतना ही काफ़ी है। ये उसके लिए है कि यार कुछ ना होने से ये बेहतर है। आप लोगों ने कुछ इस तरह प्रिंट करना था, लेकिन इसके लिए आपको लाजमी आपकी जो स्ट्रिंग है, आपने सबमिट द फाइल, कॉपी द कोड पेस्ट एंड स्क्रीनशॉट ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो वो आप एग्जीक्यूशन का स्क्रीनशॉट देंगे, और VUID के लास्ट 4 डिजिट से अपना प्रोग्राम सेव करना है। मैंने तो CP रखा हुआ है, तो आप चलते हैं CP के ऊपर कि जी आपने पहली लाइन लिखनी है ORG जम्प स्टार्ट मैसेज, एक रखा इंटरिंग स्ट्रिंग, एक बफर बनाया बफर DB, ये सेमी कॉलन के बाद लिखना है तो लिख लें, नहीं तो इसको बेशक डिलीट कर सकते हैं। ये लिखना ज़रूरी है बफर DB 12, यहाँ तक बफर DB 13, 10, इंटर स्ट्रिंग डॉलर साइन लगाना है, आउटपुट DB 13। सिर्फ इसी का एक लाइन का इशू है कि इसमें इसका वो कॉलन लेके आ रहा है, तो ये कॉलन भी अगर ना लेके आए तो आउटपुट तकरीबन ठीक है। ये वो कलर्स हैं, 11 कलर्स हैं, 11 डिजिट्स हैं वो BC वाले, तो उनके लिए हर तरह का मैंने कलर चूज़ करके देख लिया, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रामा रह गया। इन कलर्स को मैंने कम से कम 4 घंटे कलर्स के सिलेक्शन के ऊपर लगाए होंगे, लेकिन फिर भी इशू सॉल्व नहीं हुआ, मतलब 100% नहीं हुआ, 90% तो आप इसको कह सकते हैं ठीक है। ये जंप स्टार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट पे आगे मूव AH0 AL3, ये सर्विस कॉल हुई, टेक्स्ट मोड बता दिया उसने, पता नहीं शायद टेक्स्ट मोड नहीं लेना होगा तो ग्राफिक्स मोड लेना पड़ेगा शायद, फिर चल जाए। तो मूव AH09H और मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। मैं प्रैक्टिकल की असाइनमेंट पेड नहीं बना रहा, क्योंकि मैं 100% बना नहीं सकता, तो मैं किसी को, मैं 401 की भी सिर्फ उन लोगों को बता के बना रहा हूँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कि अगर कोई मिस्टेक हुई और तो फिर वो मुझसे बनवाएं, अदरवाइज़ मैं नहीं बना रहा। ये फिर बनवा लें आप जो 150 वाली दुकान है उससे जाके, तो मैं तो उनके हक में नहीं हूँ। अब मैंने तो जो कोड चेंज किया, मैं आपको वो भी दिखा दूँ कि मैंने तो इस तरह करके भी कोड चेंज किए हैं, कि इस तरह मैं कोड को बिल्कुल डिफरेंट कर देता हूँ जब किसी और को बना के देता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से जितनी मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ मैं करता हूँ, ताकि किसी का कोड मैच ना हो। मूव AH09DX, ये मैसेज था 21H कॉल हुआ, ये 0AH, फिर उसका बफर, फिर ये, फिर नेक्स्ट लाइन, क्योंकि लाइन बाय लाइन आपने जिन लोगों ने कॉपी करना हो तो वो करते हैं। मूव AH02 और फिर ये आप लोग देख लें, ये स्पेशली उसके लिए जहाँ जाके मैंने प्रिंट करवाया, मूव AH09, मूव DX, बफर, और ये चीज़ आ गई। उसके बाद मूव SI, बफर +2, तो मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ ताकि आप लोग कॉपी कर लें। मूव CX11, मूव BL0, और प्रिंट लूप के लिए चलाया कि ये उसको प्रिंट करवाएगा। मूव DL SI, लोड द नेक्स्ट करेक्टर, ये साथ साथ कमेंट हुए हैं। मूव DL डॉलर साइन तक जाना है उसने, जब एंड करना है उसको डॉलर तक रीड करे,
और यही इसका है कि डॉलर से पहले तक उसको बंदा कह दे कि सेमी कॉलन तक रीड करे, तो फिर शायद वो उधर तक करेगा। तो इस तरह भी उसको चेंज करवाया जा सकता है। सेट द बैकग्राउंड द फोरग्राउंड कलर, ये अब अरे की कलर आ जाएगा, वो बी एक्स में उसका इंडेक्स आ जाएगा कि बी एक्स उसने कहाँ से उसने उठाया है। ये ब्लिंकिंग को रोकने के लिए भी लगाया हुआ, लेकिन ब्लिंकिंग रुकी नहीं है, क्योंकि कलर डिफरेंस, जब भी कलर आगे पीछे होंगे तो वो ब्लिंक करेगा। पेज नंबर है, ये करेक्टर काउंट है, कितनी दफ़ा उसने एक करेक्टर को, यानी बी के लिए फिर सी के लिए। प्रिंट द करेक्टर मूव AH02 नेक्स्ट इंक्रीमेंट SI में, इंक्रीमेंट BL में, ये कलर कोड है, उसका कलर कोड के अंदर एक का इंक्रीमेंट। अब वो पता नहीं कलर कोड में इंक्रीमेंट अगर ना करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो शायद इसके लिए ब्लिंक कर रहा है, कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा लगी है, क्योंकि BL ने कलर लेना होता है। तो अब पता नहीं शायद इसकी वजह से इशू आ रहा हो, तो कोई एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ब्लिंकिंग कर रहा है। एंड प्रिंट सेट बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, ये वाइट कलर है मैसेज के लिए, उस 09 और ये चीज़ 0907H, और ये आउटपुट, ये मैसेज आ जाएगा, और जो हमने वो इंक्लूडिंग डॉलर साइन इसके अंदर लेंथ उसकी जितनी है वो बतानी है। और प्रिंट द इनपुटेड स्ट्रिंग, ये वो इनपुटेड स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा है, बफर प्लस टू इसके अंदर है, वो DC से शुरू करवाया है उसको। एग्जिट प्रोग्राम मूव AH, यहाँ पे आपको पता ही है कि ये यहाँ पे बंद होना होता है इसने। तो ये कोड था आपका, अगर आपको समझ आ जाए चला लेंगे तो ठीक है, बाकी मैं इतनी मदद कर सकता था यार, और मुझसे टाइम नहीं लग रहा है इसके ऊपर, मैं बहुत ट्राइयाँ की हैं इसके ऊपर, और अगर किसी ने पेट भरवानी हो तो ना रब्ता करें मुझसे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।